السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفز لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا माँ जी सय्यदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, एक खातून थी, उसका खावंद घर से बाहर गया, फिर वापस ही ना आया। वो बहुत परेशान हुई, उसे किसी दूसरी खातून ने ये मशवरा दिया, गुमराही पर मबनी फलां जगह पे चाहे बाबुल में जादू का मामला होता है, तुम अगर उनके पास जाओ तो तुम्हारा ये मसला हल हो जाएगा। तवील वाक्य है, वो वहाँ गई, उन्होंने समझाया कि ये कुफर है, तुम कुफर ना करो। उसने कहा नहीं, मैं करके रहूँगी। बहरहाल आखिरकार उसने जादू सीखा। इसके बाद उसे अकल आई कि मुझसे तो एक कबीरा गुनाह का इर्तिकाब हो गया है और जादू जैसा अमल मैं कर बैठी हूँ। परेशान हुई उस परेशानी के आलम में कि मेरा गुनाह कैसे माफ़ होगा। उसने मदीना मुनव्वरा का रुख किया कि इमाम कायनात अलैहिस्सलाम के पास जाती हूँ और आप ही से पूछूँगी कि मेरा ये गुनाह कैसे माफ़ होगा। जब वो मदीना मुनव्वरा पहुँची तो उसकी आमद से कुछ पहले अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम अपने रब के पास जा चुके थे। माँ जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि जैसे वो रोती थी आप तसव्वुर नहीं कर सकते। गुनाह का गम, पैगंबर के जाने का गम, मसला के जिस मकसद के लिए आई थी उसके पूरा ना होने का गम, सहाबे किराम से मुलाकात हुई, सहाबे किराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमाइन मसला बताने में हमारी तरह नहीं थे, बहुत मोहतात और बहुत ही ज़िम्मेदार थे। कहती हैं मैं जिस सहाबी से भी पूछती मुझे उसने मेरा मसला क्लियर दो टोक वाजी करके ना बताया कि जादू की माफ़ी कैसे होगी। अलबत्ता जिस सहाबी से भी मेरी मुलाकात हुई वो मुझसे ये ज़रूर पूछता था क्या तेरे वालदैन जिंदा है। मैं जिससे भी पूछती कि मुझसे इतना बड़ा गुनाह हो गया है उसका सवाल यह होता था कि तेरे वालिदैन जिंदा हैं।
फिर मैं किसी के पास जाती तो उसका सवाल ये होता, तेरे वालिदैन जिंदा है? और साथ ये कहते, अगर तेरे वालिदैन जिंदा होते तो उनकी खिदमत करती, मतलब ये था वो तेरे लिए दुआ करते तो अल्लाह जादू जैसे तेरे गुनाह को भी माफ़ कर देता। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा तशरीफ़ फरमा थे, एक नौजवान आया, कहने लगा इन्नी ख़ातबतु इम्रअतन, मैंने एक औरत को रिश्ते का पैगाम भेजा, फ़अबत, वो ना मानी, किसी और ने पैगाम भेजा, रिश्ता मंजूर हो गया, फ़गिरतु अलैहा, मुझे बहुत गुस्सा आया, फ़क़तलतुहा, तो मैंने उस लड़की को कत्ल कर दिया। जनाब इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा वो मसला ये पूछ रहे हैं कि मैंने लड़की का कत्ल कर दिया, और जनाब इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा उससे सवाल करते हैं, क्या तेरी वालदा जिंदा है? वो कहते हैं नहीं। कहते बस फिर अल्लाह से तौबा करें, माफ़ी मांगें। इनके शागिर्द पास बैठे थे तो इन्होंने पूछा, वो बंदा जब चला गया, कि जनाब इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा उसका सवाल तो कत्ल के बारे में था और आपने ये सवाल किया कि तेरी वालदा जिंदा है, इसका आपस में ताल्लुक क्या है? जनाब इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह ने मुझे दीन की समझ दी है मेरे इल्म के मुताबिक, वालिदैन की खिदमत से बढ़ के कोई नेकी नहीं है जो इंसान को अल्लाह के करीब कर दे। आज की हमारी मुलाकात का उन्वान वालिदैन के फजाइल नहीं है। फजाइल तो हम जानते हैं, लेकिन मसला ये है, फजाइल जानने के बावजूद हम ये नहीं जानते कि वालिदैन की खिदमत का मतलब क्या है, कैसे करनी है। आज के इस अहद का बहुत बड़ा मसला ये है कि इस दौरे पुर आशूब में लोगों ने सोशल साइंसेस को, पब्लिक रिलेशंस को, आपस के ताल्लुक को एक साइंस बनाया, इसे समझाया, एटिकेट्स बताए। ऑफिस के एटिकेट्स ये होते हैं, बॉस से ऐसे मिलते हैं, सब ऑर्डिनेट से ऐसे मिलते हैं, ऑफिसर से ऐसे मिलते हैं, फलां डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन लिखनी हो तो ऐसे लिखते हैं, यहाँ कॉमा लगाते हैं, यहाँ फुल स्टॉप लगाते हैं, यहाँ स्पेस देते हैं, यहाँ नया पैराग्राफ शुरू करते हैं। एक एक चीज़ आज की दुनिया ने बताई, हत्ता के दो दो साल लगवा के लोगों ने पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स अपने पास लाखों की तनख्वाहों में रखे कि लोगों के साथ ताल्लुकात अच्छे हों, डीलिंग का तरीका हो, और ये आता हो कि हमने अपने ऑफिस के पब्लिक रिलेशंस को कैसे बेहतर करना है और को वर्कर्स का आपस में ताल्लुक कैसे बेहतर करना है। आज के बदनसीब इंसान ने जिस ताल्लुक को नहीं समझा कि वालिदैन के साथ ताल्लुक को बेहतर कैसे करना है। वही शख्स, वही ऑफिसर और वही ऑफिस जहां एक एक लफ्ज की गलती पकड़ी जा रही है, एक एक चीज पे कि तूने फलां फॉर्मेलिटी का ख्याल नहीं रखा, तूने ये कर दिया, यहाँ ये लफ्ज लिखना था, ये फलां लेवल का ऑफिसर है, इसको ऐसे एड्रेस करना था, इसकी बजाय तूने ये लिख दिया, तूने तो उसकी शान में गुस्ताखी कर दी, उसका रैंक ये बनता था तूने ये दे दिया, उसका ग्रेड ये बनता था तूने ये दे दिया, उसका टाइटल ये बनता था तूने ये दे दिया। एक एक चीज का इस दौर में ख्याल रखा जाता है। याद रखिए,
अल्लाह के कुरान के मुताबिक अल्लाह और अल्लाह के रसूल की हस्ती के बाद अगर सबसे ऊंचा दुनिया में किसी का ग्रेड है और सबसे ज़्यादा किसी के एटिकेट्स का ख्याल है और किसी के आदाब का लिहाज है तो वो वालिदैन की हस्ती है। एक और बात भी समझ लीजिए, अहले इल्म बैठे हैं मक्का और मदीना के, माशाल्लाह फाजिलीन उलमाए किराम बैठे हैं, मैं इनकी मौजूदगी में कहना चाहता हूँ कुरान मजीद ने जहाँ भी वालिदैन का तस्करा किया है ना, वालिदैन का किया है, सिर्फ माँ का नहीं किया। एक भी आयत कुरान की मुझे आप ऐसी नहीं दिखा सकते जिसमें सिर्फ माँ का तस्करा हो। एक जगह पे अगर अल्लाह ने ये कहा भी ना कि माँ ने तेरे लिए ये तकलीफें उठाई हैं, तो फिर आगे तस्निया का लफ्ज ले आए, फिर वालिदैन का तस्करा कर दिया। तो आज हमने ये सीखना है कि वालिदैन का इतना ऊंचा जो मकाम है तो उसका हमने ख्याल कैसे रखना है। और शायद मजबूरी की वजह से मुझे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से भी और आज के उन लोगों की जिंदगी से जो इस मकाम को समझते हैं और सलफ सालेहीन की जिंदगी से जो वाक़ियतन समझते थे कि वालिदैन कितनी बड़ी हस्ती होती हैं, उनसे जा बजा मिसालें पेश करना होगी ताकि पता चले ये ख्याली बात नहीं है। जो समझते थे उन्होंने इस पे अमल करके दिखाया भी है। इसी आयत की रोशनी में हम आगे बढ़ेंगे। वक़ज़ा रब्बुका, तेरे रब का फैसला है। कुरान की जो गहराई है दुनिया का कोई शख्स वहां नहीं पहुंच सकता। कोशिश कीजिएगा कि ये आयत तो याद ही हो जाए आपको। वक़ज़ा रब्बुका, तेरे रब का ये फैसला है। सोशल मीडिया वाले कुछ और सिखाते हैं, सिखाते रहे। दुनिया वाले कुछ और सिखाते हैं, सिखाते रहे। मुझे तो अफसोस होता है आजकल के बड़े बड़े यूट्यूब के स्कॉलर्स, फेसबुक के स्कॉलर्स, व्हाट्सएप के बड़े बड़े ग्रुपों को चलाने वाले, यूट्यूब के चैनल्स के ऊपर मिलियंस के लिहाज से सब्सक्राइबर्स रखने वाले, वो सबसे ज़्यादा वालदेन को सिखा रहे हैं कि तुमने पेरेंटिंग कैसे करनी है, औलाद को नहीं सिखा रहे तुमने औलाद बन के कैसे रहना है। ये जदीद दौर का एक अलमी है। मैं ये नहीं कहता कि पेरेंटिंग सिखानी नहीं चाहिए, सिखानी चाहिए, लेकिन वो एक फितरी चीज है। हर वालदेन के दिल में एक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसी तड़प रखी होती है कि बिलउमूम वो उससे गाफिल नहीं होते हैं। कुरान और सुन्नत के मनहज में पेरेंटिंग के ऊपर ज्यादा तवज्जो, ज्यादा फोकस, और हर वक्त वालदेन को नहीं कोसा गया तुमने ऐसे किया था, तुमने ऐसे तरबियत करनी थी और ऐसे कर दी, तुमने ऐसे कहना था और ऐसे कह दिया, तुमने ये करना था और वो कर दिया। पूरे कुरान का मनहज, सुन्नत का मनहज, मुहद्दिसीन का मनहज, सहाबा और ताबईन का मनहज, ठीक है वालिदैन इल्म के एक मरहले से उनको गुजरना चाहिए, वो उनकी एक अलहदा एक प्रोग्राम हो सकता है, कोर्स हो सकता है, उसमें सिर्फ वालिदैन शरीक होंगे, उनके लिए डिज़ाइन किया जा सकता है, लेकिन पब्लिक फोरम के ऊपर कुरान और सुन्नत औलाद पे फोकस करती है कि तुमने औलाद बन के कैसे रहना है। इसलिए कुरान मजीद का आगाज कहाँ से हुआ? वक़ज़ा रब्बुका, तेरे रब का ये फैसला है। दुनिया वाले कुछ और कहते हैं, कहते रहें। जदीद सोशल साइंसेस किसी और लाइन की तरफ जाती हैं, जाती रहें। यूट्यूबर्स किसी और मैदान की तरफ रुख करते हैं, करते रहें। आज के स्कॉलर्स
और अपने नौजवानों को और सब्सक्राइबर्स को खुश करने के लिए कि ज़्यादातर सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने वाली कम्युनिटी यूथ की होती है, उनको राज़ी करने के लिए कि मेरी माँ ने ये गलती की थी, मेरे बाप ने ये गलती की थी, हमारी तरबियत के अंदर उनसे ये कोताहियाँ रह गई थी, उनको राज़ी करने के लिए वो जो कुछ कहते हैं कहते रहें, तेरे रब का फैसला कुछ और है। पहला लफ्ज ये है ताकि कोई ये ना कह दे कि ये मौलवियों की बातें हैं। किसका फैसला है? तेरे रब का फैसला है। और ये लफ्ज नहीं कहे तेरे रब का हुक्म है, ये नहीं कहे तेरे रब की नसीहत है, ये नहीं कहे तेरे रब का मशवरा है। एक केस है आज की दुनिया में लग गया है, औलाद कुछ और कह रही है, वालिदैन कुछ और कह रहे हैं, सोशल मीडिया वाले कुछ और कह रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट कुछ और कह रहे हैं, नफ्सियात के माहरीन कुछ और कह रहे हैं, सोशल साइंसेस वाले कुछ और कह रहे हैं। ये मुकदमा हमने कुरान की अदालत में पेश कर दिया है और कुरान ने कहा तेरे रब का फैसला ये है। وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا, तेरे रब का फैसला है कि उसके सिवा किसी की इबादत नहीं करनी और अल्लाह के बाद किसी का हक है। وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, वालिदैन से आखिरी दर्जे का अच्छा सलूक करना है। इसी आयत से यह भी मालूम हुआ कि अल्लाह की तौहीद के बाद, रब की रुबूबियत के बाद यह मसला भी साबित हुआ सबसे बड़ी नेकी इस कुर्रे अर्जी पे अगर कोई है तो वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक है। और इसी आयत से यह भी साबित हुआ कि अल्लाह की जमीन के ऊपर अल्लाह के साथ शिरक करने के बाद अगर कोई सबसे बड़ा गुनाह है तो वालिदैन की नाफरमानी का गुनाह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया सबसे प्यारा अमल अल्लाह को क्या लगता है, इस आयत की क्या खूबसूरत वजाहत है। हदीस के अंदर फरमाया अस्सलातु, नमाज को अदा करना अव्वल वक्त के ऊपर पूछा गया, ये अल्लाह की इबादत हो गई। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्या, फिर पूछा गया नमाज के बाद सबसे प्यारा अमल कौन सा है, फरमाया वालिदैन की खिदमत। वबिल वालिदैन इहसाना, सबसे पहला लफ्ज अल्लाह ने यह इस्तेमाल किया, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्या। तो सबसे पहली चीज हमने आज के इस लेक्चर में यही समझी कुरान मजीद की रोशनी में कि वालिदैन की खिदमत करना, उनकी रज़ा चाहना, उनको खुश करना, उनकी दुआएं लेना, उनके आगे पीछे रहना, उनके सामने निगाहें झुका के रखना, सबसे पहली चीज़ खिदमत के लिए यही है कि आप अपने तसव्वुरात को ठीक करें कि वो बहुत बड़ी हस्ती हैं, इतनी बड़ी हस्ती कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद सबसे बड़े अफसर वही हैं, सबसे बड़े बॉस वही हैं। या अल्लाह मैं तेरे कुरान पे कुर्बान जाऊं। यहां फिर उन लोगों को अपनी फिक्र करनी चाहिए जो हर वक्त माँ माँ ही कहते रहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां फिर ये लफ्ज इस्तेमाल किए वबिल वालिदैन इहसाना, वो दोनों वालिदैन, ये भी कहा जा सकता था अबावैनी माँ बाप, ये भी कहा जा सकता था बड़े, ये भी कहा जा सकता था पालने वाले, ये भी कहा जा सकता था जन्म देने वाली, ये नहीं कहा। अल्लाह ने कहा वबिल वालिदैनी, वो दोनों जन्म देने वाले, उनके साथ अच्छा सलूक करना है। पैदाइश का सबब दोनों है, तखलीक के अमल में दोनों हैं, एक अपने पेट में बोझ उठाती है, एक अपने कंधों पे बोझ उठाता है। इसलिए अल्लाह ने दोनों का लफ्ज इस्तेमाल किया वबिल वालिदैन इहसाना, और वलद का माना ही जन्म देना, वालिदिन वमा वलद,
और वो दोनों जो दुनिया में तेरे आने का जरिया है, तेरी पैदाइश का जरिया है, इससे इंसान को अपनी औकात भी याद करवाई गई कि दुनिया में तेरे जहूर का जरिया, तेरी पैदाइश का जरिया, तेरी तखलीक का जाहिरी सबब अल्लाह के फैसले के बाद जो बने हैं उनके साथ एहसाना बहुत अच्छा सलूक करना है। दूसरी बात, पहली बात ये वाजे हुई कि इंसान वालिदैन के साथ तब अच्छा सलूक कर सकता है जब वो उनके मकाम को समझे, उनके स्टेटस को समझे, उनकी हैसियत को समझे, उनके शान और मकाम और मर्तबा को समझे। लेकिन हमारा आज का मौजू बेसिकली ये नहीं है, ये है कि कैसे उसने सलूक करना है। दूसरी चीज एहसाना के अंदर ये पाई जाती है, जामे लफ्ज इस्तेमाल किया, वालिदैन के साथ बहुत अच्छा सलूक करना है। ये नहीं कहा किस किस चीज में, पता चला माल के लिहाज से सबसे अच्छा सलूक उनके साथ करना है, नफ्सियाती लिहाज से सबसे अच्छा सलूक उनके साथ करना है, माशी लिहाज से सबसे अच्छा सलूक उनके साथ करना है, मुआशरती स्टेटस के लिहाज से सबसे अच्छा सलूक उनके साथ करना है, आगे पीछे आओ भगत के लिहाज से, प्रोटोकॉल के लिहाज से सबसे अच्छा सलूक उनके साथ करना है। वह बिल वालिदैनी एहसाना, बा को इस्तेमाल किया, ये बा मुसाहबत के लिए है। मुसाहबत का मतलब ये होता है उनके साथ साथ रहना है, हुस्ने सलूक उनके साथ जुड़ा जुड़ा है। तो वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक में सबसे पहली और बुनियादी चीज इस आयत की रोशनी में है कि आप उनको छोड़ के कहीं जा नहीं सकते। अगर वालिदैन को आपकी जरूरत है तो आप उनकी इजाजत के बगैर, उनकी परमिशन के बगैर, उनकी इजाजत के बगैर, आज के नौजवानों सुन लो, मैं खुद एक मुलाजमत करने वाला शख्स हूं और जिस दिन मेरे वालदे मोहतरम की घर के अंदर डेड बॉडी पड़ी हुई थी उस दिन भी मैंने अपने ऑफिस में इत्तला तो दी थी कि वालदे मोहतरम की वफात हो गई है, इसलिए आज मेरी छुट्टी लगा दें। मुलाजमत को तो हम इतना अहम समझते हैं, कोई शख्स किसी ऑफिस से इतनी मजबूरी के होते हुए भी कि घर में वालदैन का जनाजा पड़ा हो, इजाजत तो लेते हैं ना। ऑफिस वाले क्या करते हैं, कोई एक लाख की तनख्वाही देते हैं, ज्यादा से ज्यादा दो लाख चार लाख दे देते हैं, ये पंखे नजर ऐसा कर दें, इसको बिल्कुल स्लो रहने दें। वबिलवालिदैनि एहसाना, तो ये जो बा का लफ्ज आया ना, वालिदैन के साथ साथ, वो उनके साथ है ही नहीं, वो उनके पास है ही नहीं, वो उनसे परमिशन लिए बगैर ही इधर उधर, कभी अपनी तरक्की के लिए, कभी तालीम के लिए, कभी जॉब के लिए, कभी बहुत ऊंचे ओहदों के लिए, कभी माल कमाने के लिए, कभी दोस्तों के लिए, कभी बीवी के लिए, कभी बच्चों के लिए, कभी पिकनिक के लिए, कभी सैर के लिए, कभी तफरी के लिए, कभी आउटिंग के लिए, कभी फॉरेन कंट्री के अंदर ऊंचे से ऊंचे ओहदे को हासिल करने के लिए और तरक्की के ख्वाबों को पूरा करने के लिए जो कुछ भी उसकी मजबूरी है, अल्लाह के कुरान की रोशनी में वालिदैन की इजाजत के बगैर वो कहीं नहीं जा सकता। शायद आपके लिए ये बात अजीब होगी, वैसे वालदैन मजबूरी के बगैर रोकते तो नहीं है ना, वो तो रोकते ही तब है जब उनको पता हो कि इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। अच्छा, आपको इसलिए बात समझ नहीं आई होगी कि ये क्या बात हुई, क्योंकि लिबरलिज्म का दौर है ना, हर बंदा अपने आप को आजाद समझता है, फ्रीडम ऑफ एक्शन, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम पता नहीं कौन कौन सी। आपको इसलिए भी ये बात समझ नहीं आती होगी कि ये क्या बात कह दी गई है, तुम तो सिर्फ सैर के लिए, तरक्की के लिए, जॉब के लिए, पैसों के लिए बैरूने मुल्क बगैर इजाजत के बगैर पूछे चले जाते हो, क्या इससे बड़ा कोई काम हो सकता है
कि इस्लाम को ज़रूरत हो आप नौजवानों की जानों की, और वो अल्लाह की राह में जान देने के लिए जाना चाह रहा हो, और जान भी उसने जिहाद में देनी हो और अल्लाह की राह में देनी हो, हथेली पे उसने जान रखी हो, सर पे उसने कफन बांधना हो, जिहादी तहरीक हो और तहरीक भी वो हो जिसकी क़यादत अल्लाह के नबी कर रहे हों, और जाना भी उसने मदीने में हो और मस्जिद नबवी में हो, और नमाजें अल्लाह के पैगम्बर के पीछे पढ़नी हूं और जुमे आपके पीछे पढ़ने हूं। हदीस तो कहती है जब तक वालिदैन इजाजत न दें वो जिहाद में और अल्लाह के पैगंबर के पीछे मस्जिद नबी में नमाजों के लिए भी नहीं जा सकता। सही मुस्लिम उठाइए, एक नौजवान आता है कहते हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उबायुका अलल जिहादि वल हिजरा, मैं इसलिए आया हूँ कि आपके हाथ पे हाथ रख के आपसे कोई वादा करना चाहता हूँ, वालिदैन को छोड़ के आया हूँ और इस हाल में छोड़ के आया हूँ, तरक्तुहुमा यबकी, यानी दोनों ही रो रहे थे, आंसू बहा रहे थे, लेकिन मेरे अंदर जिहाद का जज्बा, आपकी मुलाकात की तड़प, मदीने की ख्वाहिश ऐसी थी कि मैं बस उनको छोड़ के आ गया हूँ। अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इरजे इलैहिमा, उनके पास वापस चला जा, जैसे तो उनको रुला के आया है वैसे ही उनको जाके हंसा। एक और शख्स आया है कहते आपसे मशवरा करना चाहता हूँ हिजरत और जिहाद का। आप कहते हैं वालदैन जिंदा है? कहते हैं जिंदा है। फ़फ़ीहिमा फ़जाहिद, आप फरमाते हैं तेरा जिहाद यही है कि उनकी खिदमत कर, तेरा जिहाद यही है कि उनकी खिदमत कर। आप ईमानदारी से बताएं, तसव्वुरात आपने बदल लिए हूं तो आपका मसला है, मेरा मसला नहीं है। मीडिया ने आपकी अकलों पे पर्दे डाल दिए हूं तो वो आपका मसला है। मजहबी लीडरों ने आपके दीनी तसव्वुरात को आगे पीछे करके रख दिया हो तो वो आपका मसला है। जदीद दौर की दीनी तहरीकों और तंजीमों ने नौजवानों को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करने के लिए उनकी गलत तरबियत कर दी हो तो वो उनका मसला है। मेरा मसला ये है, मैं वो कहना चाहता हूँ जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कहा है। वो तो यही कहते हैं। तो दूसरी बात कुरान मजीद से समझ में आई, वबिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना है, जो उनके पास रहता ही नहीं, जो उनकी खबर लेता ही नहीं, जो महीनों महीनों घर आता ही नहीं, जो साल साल बाहर ही रहता है, जो दस दस साल अपनी कमाई के चक्रों में ही रहता है, उसको तो फोन करने की फुर्सत भी नहीं है। वो खाक वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करेगा? वो तो उनके पास है ही नहीं। हाँ, उन्होंने इजाजत दी, ठीक है, चार पांच बच्चे हैं, दो तीन बाहर हैं, ठीक है, एक खिदमत पे मौजूद है, वो महसूस नहीं कर रहे, उनकी तरफ से इजाजत है, ठीक है, है ही एक वो भी बाहर, है ही चार वो भी बाहर, और इजाजत के बगैर, उनकी खुशी के बगैर, जबकि उनको जरूरत हो, उनको जरूरत नहीं है, ठीक है, उन्होंने इजाजत दे दिया, ठीक है। दूसरी बात, वबिल वालिदैन इहसाना, इसी लफ्ज से ये समझ में आती है कि एहसान जिस्म के साथ भी होता है, एहसान और अच्छा सलूक माल के साथ भी होता है, पैसे के साथ भी होता है, दौलत के साथ भी होता है। वबिल वालिदैन इहसाना, बीवी पे खर्च करना फर्ज है, बच्चों पे फर्ज खर्च करना फर्ज है। वो रवैया भी नहीं होना चाहिए कि इंसान ने जब निकाह किया था तो उसने कहा था कबूल है, तो कबूल है का मतलब यही था कि मुझे इस अपनी होने वाली बीवी की जिम्मेदारियां, फाइनेंशियल ड्यूटीज, माशी कफालत, इसकी परवरिश, हुस्ने सलूक मुझे कबूल है। भरी महफिल में अल्लाह की आयात सुन के उसने वादा किया था, और वो वालदैन के बहाने बीवी बच्चों के अखराजात पूरे ना करे, ये रवैया भी दुरुस्त नहीं है। और ये रवैया भी दुरुस्त नहीं है कि उसे बीवी बच्चों के अखराजात की इतनी फिक्र हो कि वालदैन पे खर्च करने के लिए उसके पास कुछ बचे ही ना।
सबसे पहले वालिदैन पे खर्च करना है। फिर बरकतें देखें जिंदगी में आती कैसी हैं। हदीस रसूल है, वो नौजवान था, शादीशुदा था, उसके बच्चे भी थे। एक है ना अनमैरिड, शादीशुदा था, उसके बच्चे भी थे, जरूरतमंद भी थे। वो जानवरों को ले जाता था, चराता रहता था, रात को वापस आता था, दूध दोता था, तो सबसे पहले किन को पिलाता था? वालिदैन को। एक रात वो सोए रह गए थे। अब मैं तो नहीं कह रहा ना, अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम बयान कर रहे हैं। और सदियां बीत गईं, फिर भी उसकी अजमत को आप दोहरा रहे हैं और इन अल्फाज में दोहरा रहे हैं कि जिंदगी की मुश्किलें आती हैं, परेशानियां आती हैं। इतनी बड़ी परेशानी आई है कि गार में पनाह ली है, झक्कर चले हैं, तूफान आया है, बारिश आई है, जान के लाले पड़े हैं, जान बचाने के लिए गार में पनाह ली है, फिर झक्कर और चले हैं, पत्थर गार के मुंह पे आया है, बंद हो गया, गुप अंधेरे हो गए। और वो कहता है, अल्लाह मेरे पास तुझे पेश करने के लिए ये नेकी है, मेरे वालदैन थे, मैं सबसे पहले उनको दूध पिलाता था, एक रात में लेट वापस आया, वो सो गए, मैं सारी रात उनके सरहाने पे खड़ा रहा, मेरे बच्चे रोते रहे, मेरे ज़मीर ने गवारा न किया, वालदैन भूखे हों, मैं पहले उनको पिला दूँ, बच्चे भी सो गए और मैं रात भर उनके सरहाने ही खड़ा रहा। अल्लाह तुझे ये नेकी कबूल है तो आज मेरी मुश्किल को दूर कर दे। इधर से उसके अल्फाज ख़त्म होते हैं और अल्लाह पत्थर को पीछे हटा देते हैं। वबिल वालिदैन एहसाना। मैं बड़ी हसरत से कुछ वालदैन को देखता हूँ, कहता है मेरा बेटा बहुत अच्छी जॉब कर रहा है, लाखों में उसकी तनख्वाह है, फिर बेचारे ऐसा से कहते हैं, लेकिन हमें कभी नहीं पूछा उसने। अल्लाह उसको और तरक्की दे। वो तो वालदैन है, वो तो यही कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तहदीसे नेमत के तौर पे अर्ज करना चाहूंगा कि अल्लाह ताला ने मुझे जॉब दी, तनख्वाह दी। एक दफा नहीं, कई दफा ऐसे हुआ कि मैं तनख्वाह जैसे मिलती वालदा के हाथों पे रख के कहता, माँ जी जैसे बचपन में आप मुझे खर्चा देती थी ना, मुझे आपसे लेना अच्छा लगता है, आप इसमें से मुझे खर्चा दे दें। यकीन माने अक्सर वो सारे ही वापस कर देती थी, कभी जरूरत होती तो खुश कर लेना, राजी कर ले। आपको दुनिया को हर शख्स को राजी करना आता है, बस वालदैन को राजी करना ही नहीं आता, वालदैन को खुश करना ही नहीं आता। कई दफा घर में फ्रूट लाते और मेरी कोशिश होती कि पहले वालदा के कमरे में चक्कर लगाए और फ्रूट उनके सामने पेश करें, फ्रूट उनके सामने रख के फिर कहता कि माँ जी इसमें से आप, ये आपका ही है तो बच्चों के लिए आप खुद निकाल दें अपने हाथों से। यकीन माने हम खुद रखते तो वालदा के लिए सबसे अच्छा रखते, और जब वालदा हमारे बच्चों के लिए वो फ्रूट निकालती तो सबसे अच्छा वो हमारे लिए निकालती। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्या वबिल वालिदैन इहसाना वबिल वालिदैन इहसाना। वालिदैन के साथ बहुत अच्छा सलूक करना है। आपको ये तो पता है
दुनिया के फलां शख्स से कैसा अच्छा सलूक करना है यह भी पता है, फलां के साथ कैसा अच्छा सलूक करना है यह सीखने की चीज है। सलफ सालिहीन से सीखें, कुरान की आयात से सीखें, हदीस मुबारक से सीखें, पैगंबर की बातों से सीखें, सहाबा के रवैयों से सीखें, ताबईन के मनहज से सीखें, मुहद्दिसीन के तर्ज जिंदगी से सीखें। ये वो लोग थे जिन्होंने एक पूरा कल्चर डेवलप किया था, एक पूरी तहजीब खड़ी की थी, जिस तहजीब में नजर आता था वालिदैन के बाद सबसे बड़ा अफसर, अल्लाह के बाद सबसे बड़ा ऑफिसरशिप जिसके पास कुर्सी है वो वालिदैन की हस्ती है। ये तहजीब तो आपको नहीं सिखाएगी, जदीद तालीम तो आपको नहीं सिखाएगी। इनके यहां तो फैमिली सिस्टम ही नहीं है, जब खानदानी निजाम ही नहीं है तो फिर ये चीजें कैसे आएंगी। खानदानी निजाम की बुनियाद तो वालिदैन पे खड़ी हुई है। ये तहजीब का मसला है, ये तमद्दुन का मसला है। और इस हद तक खिदमत, इस हद तक खिदमत सलफ सालिहीन के आसार से मालूम होता है कि वो तो माँ के सर से जुएं भी खुद निकालते थे, मालिश भी खुद करते थे, तेल अपने हाथों से लगाते थे, उनके पांव अपने हाथों से दबाते थे। जिस तरह से आप बच्चे थे ना बच्चे, तो आप कभी कभी रो पड़ते थे और बस माँ आपके सीने पे हाथ रखती थी और आप फौरन चुप हो जाते थे। आसमान सर पे उठाया हुआ था, माँ ने हाथ रखा सीने से चिमटाया, आप खामोश हो गए। बाप ने कंधे पे उठाया, आप खामोश हो गए। बाप ने यूं ऊपर करके झूला दिया, आप खामोश हो गए। तो आपका रोना उस वक्त सिर्फ माँ का बाप का प्यार लेने के लिए था। ऐसे ही जब माँ बाप बड़े हो जाते हैं तो उनकी बहुत सारी तकलीफों का हल आपके हाथों के लमस में होता है। क्या आप हाथ रख दे उनके पाँव पे, आप हाथ रख दे उनके चेहरे पे, पेशानी पे, उनके सर पे, उनके सीने पे, आप उनके साथ लेट जाएं, आप उनको गले लगा लें, आप उनको बाहों में ले लें। बुढ़ापे में उन्हें ये चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। आप ये समझते हैं कि मैंने बड़े बड़े डॉक्टर से इलाज करवा लिया है, मैंने बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर लिया है, मैंने महंगी महंगी दवाई ले ली हैं, महंगी दवाइयां, बड़े बड़े डॉक्टर्स, उनकी काउंसलिंग, उनकी मुशावरत में उनके गम का वो इलाज नहीं है जो तुम्हारे प्यार और हाथों के टच में अल्लाह ने रखा हुआ है। वबिल वालिदैनि एहसाना, इसके अंदर एक चीज ये भी शामिल है कि उनकी इताअत की जाए ना, उनकी फर्मा बरदारी की जाए। और फर्मा बरदारी किस लेवल पे की जाए, इमाम सईद इब्ने मुसय्यब रहिमहुल्लाह और इमाम आउन इब्ने अब्दुल्ला रहिमहुल्लाह एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, एक बहुत बड़े ताबी हैं, सहाबा के शगिर्द हैं। इनके कल्चर से आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। इमाम सईद इब्ने मुसय्यब रहिमहुल्लाह से पूछा गया कि ये जो कुरान इतनी तकीद करता है वालिदैन की समोताद के बारे में, इसका क्या मतलब है। कहा, तुम्हारा बॉस हो, मालिक हो, मालिक जिसने पैसे दे के तुम्हें खरीदा हो और हो भी सख्त गुस्से वाला और तुमने उसके हक में गलती की हो, जैसे वो तुम्हें तलब कर ले, क्या हो मेरे पास, तुम मेरे नौकर हो, तुमने ये गलती की है, और सख्त भी हो, बॉस भी हो, और उसने तुम्हें पैसों से खरीदा भी हो, तो जैसे उसके सामने निगाहें झुका के खड़े होते हो, वालदैन के सामने ऐसे रहे ना, तो फिर एहसान का हक अदा होता है। وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَامِ عَوْنِ ابْنِ عَبْدُ اللَّهِ رَحِمَهُ اللَّهِ تمہارے ذہن مسخ ہو گئے,
तुम्हारे दिलों पे जंग उतर गया। जदीद मीडिया और कल्चर ने तसव्वुरात को बदल दिया और बॉस किसी और को बना दिया। दुनिया की हर ऊट पटांग चीज तुम्हें सिखा दी गई। बस वालिदैन की खिदमत क्या है, एहसान का तर्ज अमल और हकीकी तकाजा क्या है, ये तुम न सीख सके। इसलिए तुम्हें इस दौर से निकल के उस दौर में जाना होगा जो खैरुल कुरून का दौर है, सहाबा और ताबईन का दौर है, मुहद्दिसीन का दौर है। इमाम औन इब्ने अब्दुल्लाह रहिमहुल्लाह, उनका इतना बड़ा हलका लगा है, ये तो मामूली लोग हैं। मुहद्दिसीन के हलकात में 20-20 हज़ार, 10-10 हज़ार लोग बैठा करते थे। ये बड़े मुहद्दिस हैं और हदीस पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे आपका ये भाई उबैदुर रहमान मोहसिन कुरान की आयत की तफसीर कर रहे हैं। आप शौक और मोहब्बत से आए हुए, उनका हलका लगा हुआ है, मस्जिद में बैठे हैं, एक शान और एक मुकाम है। सारे शागिर्द सामने बैठे हैं और उनकी माँ आ गई। ऑन ऑन, वो जो घर की मुर्गियां हैं, तुमने आज उनको दाने डाले ही नहीं, उठो और जौ के दाने रखे हुए हो मुर्गियों को डाल के आओ। आज का यूट्यूब को यूट्यूबर और टिकटॉकर होता है ना तो क्या, तो वालदैन को पेरेंटिंग की बड़ी जरूरत है, इनको पता ही नहीं बच्चों को कैसे बुलाते हैं। इमाम औन इब्ने अब्दुल्लाह रहिमहुल्लाह रहमतन वासिया फौरन उठे, पहले मुर्गियों को दाने डाले और वापस आके हदीस पढ़ाना शुरू कर दी। वबिल वालिदैनि एहसाना। अच्छा, ये तो आपको कोई बुरी बात नहीं लगती है कि आप किसी मताहत के पास बैठे हैं तो आपको ऑफिसर एन आपके काम के दरमियान आपको उठा लेते हैं ना, तो जी बॉस आ गए क्या करें, फिर तो आप नहीं कहते कि जरा बॉस की क्लास लेते हैं, फिर तो आपको अपने पैसों की तनख्वाह की जॉब की मुलाजमत की इतनी फिक्र होती कि आंखें झुका के यस सर यस सर यस सर। कंज्यूमरिज्म के दौर में जीने वालों, इसलिए मैंने अर्ज किया था अल्लाह के बाद अल्लाह के रसूल के बाद सबसे बड़ी हस्ती वालिदैन की है। وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, वालिदैन के साथ बहुत अच्छा सलूक करना है, बहुत आला दर्जे का सलूक करना है और ये समझ के सलूक करना है। रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिदैनी व सख़तुर रब्बी फी सख़तिल वालिदैनी, के वालिदैन राजी होने का ये मतलब नहीं है कि वालिदैन राजी हो गए, वालिदैन के राजी होने का मतलब ये है कि अर्श वाला रब राजी हो गया। वालिदैन की नाराजगी का ये मतलब नहीं है कि दो लोग थे नाराज हो गए, बूढ़ी अम्मा थी नाराज हो गई है, बूढ़ा बाप था अब तो मुझे उससे मफाद ही कोई नहीं, नाराज हो गया तो क्या कर लेगा, ये मतलब नहीं है। वालदैन के नाराज होने का मतलब यह है कि तुम्हारी दुनिया भी गई, तुम्हारी कब्र भी गई, तुम्हारी आखरत भी गई, अर्श वाला रब तुम्हारे ऊपर नाराज हो गया। وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ। वैसे तो पूरी जिंदगी ही ख्याल रखना है, लेकिन बिलखसूस जब वो बुढ़ापे को पहुंच जाए, अल्फाज में फिर गौर करें, कुरान के अल्फाज में डूब जाए। इम्मा अगर यबलुगन्ना पहुंच जाए इंदका तेरे पास अलकिबरा बड़ापे को अहदुहुमा उनमें से एक औ किलाहुमा या दोनों। आपने बयान किया भी तो सिर्फ मामा ही करते रहे, अल्लाह के कुरान का अंदाज तो देखे। इम्मा यबलुगन्ना इंदका अलकिबरा अहदुहुमा,
سلف صالحین نے خصوصاً امام ابن عاشور رحمہ اللہ نے اپنی عظیم تفسیر التحریر و تنویر میں یہ بات لکھی کہ جس حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ سب سے زیادہ حسن سلوک کا حق کس کا ہے, بتایا ماں کا ہے, پوچھا گیا پھر کس کا ہے, بتایا ماں کا ہے, پوچھا گیا پھر کس کا ہے, بتایا ماں کا ہے, پوچھا گیا پھر کس کا ہے, بتایا باپ کا ہے. امام ابن عاشور کہتے ہیں کہ یہاں یہ نہیں ہے کہ ماں کے حق کو تین گنا زیادہ بیان کیا گیا ہے, یہاں اصل مقصد یہ ہے ماں کمزور ہوتی ہے اس کی نافرمانی بھی آسان ہوتی ہے اس کلچر اور دور کے اندر, اس لیے اس کے حق کو بار بار بیان کیا گیا ہے. اگر ترتیب بیان کرنا مقصد ہوتی تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پہلا حق ماں کا, اس کے بعد پھر ماں کا, یعنی اسی ماں کا حق پھر دوسرے درجے پہ ہے, پھر اسی ماں کا حق پھر تیسرے درجے پہ ہے. ترتیب مقصود نہیں ہے, یہ توجہ دلانا مقصود ہے کہ ماں نسبتاً کمزور ہوتی ہے, اس کی نافرمانی بھی آسان ہوتی ہے, اس سے بغاوت کرنا بھی آسان ہوتا ہے, اس کے سامنے بولنا بھی آسان ہوتا ہے. باپ کا قدرتی اللہ رب العزت نے ایک رب اور مقام رکھا ہوتا ہے, تو بعض روایات اور احادیث کے اندر ماں کا اس لیے زیادہ نام لیا گیا ہے کہ وہ کمزور ہستی ہے, پھر وہ اکثر کچھ کہتی نہیں ہے, دل کے اندر ہی اندر بات کو رکھتی ہے. تو اس کی نسوانیت کو دیکھتے ہوئے, اس کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے, اس کی فیلنگز کو دیکھتے ہوئے, اس کی کمزوری اور ضعف کو دیکھتے ہوئے, اس کے ایموشنز اور جذبات کو دیکھتے ہوئے, وگرنہ قرآن مجید کی آیات کا انداز دیکھیے, اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ, پہنچ جائیں تیرے پاس اگر بڑھاپے کو, ایک ایک لفظ قابل غور ہے, اگر کا لفظ یہ بتاتا ہے ہر کسی کو تو ماں باپ کا بڑھاپا نہیں ملتا, کبھی کبھی تو ملتا ہے, کبھی کبھی تو یہ نصیبیں ہوتے ہیں, کبھی کبھی تو یہ موقع ملتا ہے, اور پھر بڑھاپے میں وہ ہمیشہ تو نہیں رہتے ہیں. میں نے تو بہت غور سے جائزہ لیا ہے, بڑھاپے میں زیادہ سے زیادہ والدین 5 سال رہتے ہیں, 10 سال رہتے ہیں بس. اگر تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں, احدہما, ان میں سے ایک بھی, ان میں سے ایک بھی, اللہ کو بتا دینا ایسے لوگ آئیں گے جو صرف ماما ہی کرتے رہیں گے. تو اللہ کے قرآن نے اپنے انداز میں سمجھایا, اللہ علیم بذات الصدور ہے, ان میں سے ایک, او احدہما او کلاہما, یا دونوں, ترجمہ جا کے پڑھ کے قرآن کے الفاظ دیکھیے گا, ان میں سے ایک یا دونوں تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائے. یہ تیرے پاس کے لفظ بھی قابل غور ہے, یہ انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ جیسے تو کبھی ان کے پاس ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوتا تھا, آج وہ تیرے پاس ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے. کبھی تو ان کے پاس ایسے ہوتا تھا, نہ تو بول سکتا تھا, نہ تو چل سکتا تھا, نہ تو پکڑ سکتا تھا, نہ تو فیلنگز کا اظہار کر سکتا تھا, بس ایک بچہ سال کا, 6 ماہ کا, کیا کر سکتے تھے تم, 2 ماہ کے 3 ماہ کے جب تم بچے تھے کیا کر سکتے تھے, تم والدین کے پاس تھے, آج وہ تیرے پاس ہیں, تم ہڈیوں کے ڈھانچہ تھے, آج وہ ہڈیوں کے ڈھانچہ ہیں, تم مجبور تھے, آج وہ مجبور ہیں, تم کچھ نہیں کر سکتے تھے, آج وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں, تم بات بات پہ روتے تھے, آج وہ بات بات پہ روتے ہیں, تمہیں قدم قدم پہ ان کی ضرورت تھی, آج قدم قدم پہ انہیں تیری ضرورت ہے. تیرے پاس وہ بڑھاپے کو پہنچائیں, ان میں سے ایک یا دونوں, فلا تقل لهما اف, پھر ان کو اف بھی نہیں کہنا ہے. اف سے کیا مراد ہے؟ ایسی بات نہیں کہنی ہے. پیچھے تھا عمل میں کتنا اچھا سلوک کرنا ہے, یہاں باتوں میں کتنا اچھا سلوک کرنا ہے, یعنی ان سے بولنے کے ایٹیکیٹس کیا ہیں, ان کو بلانے کے آداب کیا ہیں, ان کے سامنے بات کرنے کے انداز کیا ہیں, ان کے ساتھ گفتگو کا طریقہ کیا ہے. وہ ایک پورا پروٹوکول ہے والدین کا جو ان کا بنتا ہے, ان کو دیا جانا چاہیے. اللہ کے قرآن سے محسوس ہوتا ہے, جدید تہذیب تمہیں نہیں سکھائے گی, جدید تعلیم تمہیں نہیں سکھائے گی, یہ دونوں جہانوں کا رب سکھائے گا, اللہ کا قرآن سکھائے گا. اور اس کو یہ کہہ کے ٹال نہ دینا, ایک مولوی صاحب ہیں جوش میں باتیں کر رہے ہیں,
नहीं, आपका रब है और उसका फैसला है। अल्लाह ने आयत शुरू यहां से की, तेरे रब का फैसला है, तेरे रब का फैसला है। وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا ان میں سے ایک یا دونوں تیرے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ تو ان سے اف نہیں کہنا ہے وَلَا تَنْهَرْهُمَا اور جھڑک کے ان سے بات نہیں کرنی ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اور ان دونوں سے پھر یہ لفظ اسم ان دونوں سے بات کرنی ہے قَوْلًا كَرِيمًا کریمہ کا ترجمہ سچی بات ہے بڑے بڑے مشائخ بیٹھے ہیں اردو زبان میں مجھے کوئی ایسا لفظ نہیں ملتا جس میں قول کریم کا ترجمہ کیا جا سکے کریم ہر چیز میں سے جو سب سے عمدہ چیز ہوتی ہے عربی زبان میں اس کو کریمہ کہتے ہیں سب سے اعلیٰ چیز جتنی باتیں ہیں جتنے تم نے ایٹیکیٹس سیکھے ہیں جتنے آداب سیکھے ہیں جتنے الفاظ سیکھے ہیں تم نے بادشاہوں کو بلانے کے آداب سلام تعظیمات ڈیئر سر ڈیئر میڈم فلاں فلاں یور ہائینس فلاں یس جی سر جو کچھ تم نے دنیا کے الفاظ سیکھے ہوئے ہیں دوسروں کو بلانے کے لیے آداب کے طور پہ ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ان کے سامنے اپلیکیشن لے جانے کے لیے ان کے سامنے درخواست لکھنے کے لیے بادشاہ کو خط لکھنے کے لیے سیکرٹری کو لیٹر لکھنے کے لیے دنیا کے بڑے بڑے وزیروں اور مشیروں کو ایڈریس کرنے کے لیے فارمل لینگویج تمہاری ایک اپنی لینگویج ہے دنیا نے تمہیں یہ سب کچھ سکھا دیا ہے جتنے تم نے آداب کے الفاظ سیکھیں ان میں سے سب سے پیارے الفاظ جس میں ادب اور عزت ہو وہ اپنے والدین کے لیے رکھنے ہیں قولاً کریما اور کوئی ایسا لفظ نہیں بولنا جس سے ان کو تکلیف ہو سلف صالحین تو اس بات کو اتنا سمجھتے تھے ایک دفعہ امام عون ابن عبداللہ رحمہ اللہ کی ماں نے ان کو بلایا اور جب بلایا نا تو اونچی آواز میں بولے اونچی آواز میں بولے بعد میں خیال آیا کہ میں ماں کے سامنے اتنی اونچی بولا ہوں تب تک دل کو سکون نہ ملا اس کو گناہ سمجھتے ہوئے تب تک دل بے چین رہا جب تک اللہ سے یہ نہ کہا اللہ غلطی ہو گئی ہے میں دو غلاموں کو آزاد کرتا ہوں مجھے معاف فرما دے میں نہیں کہتا قرآن کا اسلوب تو دیکھیں کیسا ہے فَلَا تَقُولْ لَهُمَا أُفٍ ان سے اف بھی نہیں کہنا وَلَا تَنْهَرْهُمَا جھڑک کے بات نہیں کرنی وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ان دونوں سے سب سے عمدہ الفاظ جو تمہاری ڈکشنری کے اندر موجود ہیں جو تمہارے سینے میں موجود ہیں جو تمہاری لغت اور زبان میں سب سے اعلیٰ الفاظ پائے جاتے ہیں ادب کے لحاظ سے وہ ان کے لیے رکھتے ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا شان تھی ان کی گھر میں داخل ہوتے تو اپنی ماں سے کہتے ماں جی سلامت رہو آپ نے بچپن میں مجھے کیسے پالا تھا اور ماں کہتی بیٹا تم بھی سلامت رہو تم میرا کتنا خیال رکھتے ہو ان کا شکریہ ادا کریں آپ نے ہمارے لیے کتنی منتیں کی ہوں گی بیوقوف ہیں ہم لوگ اتنے بیوقوف کہ 40-50 سال کے ہو کے بھی ہمیں عقل نہیں آتی جب ہم اپنے بچوں کو پالتے ہیں پھر تو عقل آ جانی چاہیے کہ میرے والدین نے میرے لیے کیا محنت کی ہوگی میرے لیے کیا جتن کیے ہوں گے اللہ نے یہ کہا انشکر لی والی والدیک اپنے شکریہ کو والدین کے شکریہ کو جوڑ کے بیان کیا اے بندو میری تمہیں یہ نصیحت ہے میرا شکریہ ادا کرتے رہنا والدین کا شکریہ ادا کرتے رہنا ایمانداری کے ساتھ بتائیں یہ والدین کا شکریہ ہے جو آج نسل نو کر رہی ہے لوگوں کے ماں باپ نے تو اتنا کچھ کمایا تم نے ہمارے لیے کیا ہی کچھ نہیں وہ دیکھو فلان کے ابو نے اتنی کوٹھی بنائی فلان کے ابو نے یہ بنگلہ بنایا فلان کے ابو نے اتنی زمینیں چھوڑی فلان کے ابو نے اتنی تعلیم دلوائی ابو تو نے میرے لیے کچھ کیا ہی نہیں تو ہے تمہاری سوچ پہ
अफसोस है तुम्हारी अक्ल पे। وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ। बात बात पे कहें, मां जी आपने कितनी तकलीफों से मुझे पाला होगा, कितनी मशक्कतों से पाला होगा, आपने हमारे लिए कितनी मेहनत की होगी, आपने क्या कुछ किया होगा, हमसे तो आपके लिए कुछ हो ही नहीं रहा। वही नौजवान जो हर वक्त अपने बाप की तारीफें करता रहता है चंद टकों के लिए और चंद मफादात के लिए, माशाल्लाह सर जी आप कितने अच्छे हैं, माशाल्लाह हजरत साहब आपकी गुफ्तगू कितनी अच्छी है, माँ जी माशाल्लाह जी खतीब साहब मुझे आपसे बड़ा प्यार है, माँ जी माशाल्लाह जी पीर साहब मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, आपकी ये शान है। कभी अपने वालदैन से भी कहे मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, आपने मेरे लिए कितनी तकलीफें उठाई है। एक घर गए तो हमारे एक दोस्त ने बताया कि खाना खाने के बाद ना उसने कहा कि माँ जी, वो दोस्त था दोस्त के घर गया था, आपने बहुत मज़ेदार खाना बनाया, बहुत मज़ा आया खाना खा के, तो उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए, दोस्त की माँ की आंखों में आंसू आ गए, वो परेशान हो गया कि मुझसे पता नहीं क्या गलती होगी। उसने कहा माँ जी कोई गलत लफ्ज़ तो नहीं कहे बेटा खाला जी, लेकिन बेटा इस घर में खाना पकाते हुए मुझे 40 साल हो गए हैं, मुझे कभी किसी ने नहीं कहा कि आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, आप पहले लफ्ज हैं, पहले शख्स हैं मेरे बेटे के दोस्त जो मेरे खाने की तारीफ कर रहे हैं, और मुझे खुशी हुई, ये आंसू खुशी के आंसू भी हैं और गम के आंसू भी हैं। अनिश्कुरली वाली वालिदैक, अनिश्कुरली वाली वालिदैक। जैसे हम दिन में 5 वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जनाबे अबू हुरैरा तो जब भी घर में जाते माँ को सलाम ही ऐसे कहते, माँ जी सलाम हो, आपने मुझे कैसे पाला, मेरे मुझे कैसी मोहब्बत दी, और माँ कहती अबू हुरैरा बेटा तू भी सलामत रखे, तूने भी मेरी खिदमत का हक अदा कर दिया। ये मोहब्बत, ये प्यार, ये चाहत, ये फीलिंग्स, ये एहसासात, झिड़क के सख्त लहजे में बात नहीं करनी है। मैं वालदे मोहतरम को डॉक्टर के पास ले गया, आखिरी 3 मिनट बाकी हैं, मुझे वक्त दिया गया था 6:45 का, इंशाल्लाह हम क्लोज करते हैं बात को। डॉक्टर के पास गया, वालदे मोहतरम बीमार थे और उनको नमक से परहेज था, पत्तों के डॉक्टर साहब थे, बड़े अजीम डॉक्टर। उन्होंने कहा कि अपने बुजुर्गों को आपने नमक नहीं देना, और वालदे मोहतरम अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, वो नमक चखते भी नहीं थे और पहले ही कहते थे नमक थोड़ा और डाल दो। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब वालिद साहब तो नमक जरूर डलवाते हैं, बढ़ापा है शायद, जुबान की जायका ऐसा कमजोर है कि आता नहीं है, कहते नमक डाल दो। डॉक्टर साहब बहुत समझदार थे, कहने लगा अच्छा आपने ये नहीं कहना मैं नमक नहीं डालूंगा, अगर आपके वालिद कहते हैं ना नमक डाल दो तो आपने कहना जी मैं डाल देता हूं, लेकिन ऐसे नहीं डालना कि इनकी सेहत बर्बाद हो जाए, एक जर्रा डाल देना। वो फिर कहेंगे और डाल दो, जी जी डाल देता हूं, एक जर्रा डाल देना। ये फिर कहना डाल दो तो आपने फिर भी ये नहीं कहना नहीं डालूंगा, तुम्हें तो परहेज है, चुप करो सबर करो, ये क्या कर रहे हो, सेहत बर्बाद करनी है, डॉक्टर ने रोका भी हुआ है, अम्मी तुम्हें ख्याल ही नहीं है, ये क्या कह रही हो। ये जो तुम इतने माशाल्लाह समझदार बनते हो ना और डांट डांट के फिर बूढ़े वालदैन को समझाते हो, अल्लाह का कुरान कहता है सख्त लहजे में बात नहीं करनी है। और याद रखो, याद रखो इस मेरे लफ्ज को अपने दिलों की तख्तियों पे नोट कर लेना, तुमने नमक डाल दिया और बदपरहेजी हो गई, उनकी सेहत का इतना नुकसान नहीं होगा जितना उनको ये सोच के होगा कि आज मेरा बेटा मेरे आगे से बोलता कैसे है, ये मुझे डांट रहे, ये मेरे साथ सख्त लहजा रखता है, इसका जो उनको नफसियाती टॉर्चर होगा, जो नफसियाती अजियत पहुंचेगी, जो उनके दिल पे छुरियां चल जाएंगी, जो उनका जिस्म कपकपाने लगेगा,
इसका नुकसान उससे ज्यादा होगा जो तुम अपने अंदाज में उनको परहेज करवा रहे हो डांट डांट के। वला तन्हरहुमा, झिड़क के बात न करना। वकुल लहुमा कौलन करीमा, नरम लहजे में इज्जत वाले सबसे उम्दा बात उनसे करना। वख्फिज लहुमा जनाहा ज़ुल्ली मिनर रहमा, अपने अंदर ऐसी रहम दिली पैदा करो वालदैन के लिए कि उनके लिए अपने परों को बिछा दो। इमाम राजी ने कमाल की बात लिखी, पर तो परिंदे के होते हैं, इंसानों के नहीं होते हैं। यहाँ अल्लाह ने इस्तियारा इस्तेमाल किया, परिंदा जब उड़ता है तो परों को फैलाता है, जब नीचे आता है तो परों को समेटता है। अल्लाह ने कहा वालदैन के सामने नीचे होके रहना, ऊंचा ना होना, नीचे होके रहना। वख्फिज लहुमा जनाहा ज़ुल्ली मिनर रहमा, एक और मुफस्सिर ने कमाल की बात लिखी, कहा जब मुर्गी जो है ना बारिश हो रही हो और अपने बच्चों को उसने संभालना हो तो यूं अपने परों के अंदर उनको समेट लेती है और बारिश के कतरे अपने जिस्म के ऊपर बर्दाश्त करती है। अल्लाह ने कहा जब वालदैन बूढ़े हो जाए ना तो उनको ऐसे परों में ले लेना। वख्फिज लहुमा जनाहा ज़ुल्ली मिनर रहमा, और आखिरी बात वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, उनके सामने ही नहीं, उनकी अदम मौजूदगी में, उनकी जिंदगी में ही नहीं, उनकी वफात के बाद भी मेरे सामने हाथ उठा के भी कहते रहना अल्लाह रब्बिरहमहुमा, ए मेरे रब इन दोनों पे रहम फरमा। कमा रब्बयानी, जैसा कि इन दोनों ने मुझे पाला। सगीरा, जब मैं छोटा सा था। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और आखिरी बात कही रब्बुकुम आलमु बेफाफी नफूसिकुम, देखना सबके सामने तो बड़े खिदमत गुजार होते हो, अल्लाह तेरे दिल के हाल को भी जानता है। जो करो दिल से करो, अल्लाह तुम्हारे दिलों की नियतों को भी जानता है। अल्लाह ताला से दुआ है मुझे और आपको वालिदैन की कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए, उनकी खिदमत की तौफीक नसीब फरमाए।